विपक्ष शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनावी रण में उतरे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से बीजेपी का ये कहना है कि प्रदेश में विकास हो रहा है, महंगाई नहीं है और इसी के साथ साथ युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की है कि महंगाई नहीं है जी, तो इसके बारे में तो जनता फैसला करेगी। आज भी ऐसा नहीं है महंगाई से त्रस्त। महंगाई जिस तरह से दोगुनी चौगुनी तरीके से बढ़ी है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जहां पे महंगाई जो है वो आसमान न छू रही हो। अगर हम बात करें, चाहे वो सस्ते राशन की बात, अगर डिपुओं में जो कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था कार्यक्रम, वहां पर भी जो सामान है वो बहुत महंगा हो गया है, चाहे दालें हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे दूसरी चीजें हो। आज महंगाई जन समस्या है, ये मुद्दा नहीं है, ये जन समस्या है। जिस जन समस्या से पूरा प्रदेश के हर वर्ग जो है वो आहत हो रहा है। इसके बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, तो ये फैसला जनता करेगी कि महंगाई है या नहीं है और उसका असर लोगों पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम तो ये मानते हैं कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है, इसलिए ये निसंदेह एक ऐसी जन समस्या है जिसके ऊपर ये सरकार पूर्णतः अंकुश लगाने में नाकाम रही। जी, तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर फिर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं दीपक शर्मा जी? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जी। हिमाचल प्रदेश की कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पर माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के लगाए हुए विकास की गाथा ना हो, और हमें फक्र है कि हम उनके नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, उनके नाम उनके काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। वो प्रदेश की जनता के दिलों में बसते थे, अब भी लोग जो हैं वो उनके विकास पुरुष के रूप में उनको जो है वो जानती है, वो युग पुरुष थे, इसलिए उनके नाम पे अगर हम वोट मांग रहे हैं उनके दिवंगत आत्मा होने के बाद, तो हम इसमें कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल हमें फक्र है इस बात का कि हम वीरभद्र सिंह जी के कार्यों पे, उनके विकास कार्यों के ऊपर जो है वो वोट मांग रहे हैं जी। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को हमेशा बढ़ावा देती है। 3 चुनावी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया, ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के जो मापदंड है वो दोहरे हैं। ये परिवारवाद दूसरे को, ये भारतीय जनता पार्टी का अक्सर तरीका रहा है, कोई दूसरा करे तो भ्रष्टाचार, ये करें तो शिष्टाचार, इनको अपना जो है वो नजर नहीं आता है। परिवारवाद, परिवारवाद की परिभाषा में अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जो है वो सांसद हैं, पी के धूमल जी के बेटे अनुराग ठाकुर मंत्री हैं, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सांसद हैं, कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं, और वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सांसद हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा सांसद हैं, चरकीलाल गोयल जी के बेटे विजय गोयल जो हैं वो मोदी सरकार में हैं, प्रमोद महाजन जी की बेटी पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, यही नहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर के अलावा ठाकुर जगदेव चंद के बेटे नरेंद्र ठाकुर विधायक हैं और कुंजलाल ठाकुर जी के बेटे जो है वो इस सरकार में मंत्री हैं। तो क्या वो परिवारवाद की पौध नहीं, ये परिवारवाद मात्र जुमला। आपके पास लौटेंगे क्योंकि विनोद ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद ठाकुर जी, क्योंकि आपकी अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें तो विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, और विपक्ष की अगर बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी का नारा दिया जा रहा है। क्या लगता है, विकास का नारा महंगाई और बेरोजगारी के नारे को मात दे पाएगा? नमस्कार महिमा जी, पर मैं आपको, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, नमस्कार महिमा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रही है और पूरे प्रदेश में
समान विकास हमारी पार्टी करवा रही है। जहां तक दीपक भाई ने ये बात छेड़ी है कि परिवारवाद की बात, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में सैद्धांतिक रूप से यह तय हो गया है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद से कोई नहीं आएगा। और जहां तक इनकी पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, परिवारवाद तो वहां से शुरू होता है जब केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी तक, और उसके बाद राहुल गांधी तक। आगे फिर लिस्ट कितनी होगी वो मैं नहीं जानता। इसको हम परिवारवाद कहते हैं। ये पार्टी परिवारवाद से ओतप्रोत है, उसके ऊपर ही चलती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमने इस बार भी हिमाचल में जो उपचुनाव हो रहे हैं और पूरे देश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें लगभग 17 जगह पे ऐसा था, 17 जगह पे, जहां पे कि परिवारों में से लोग टिकट चाह रहे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से यह तय किया कि आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा और किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हिमाचल के ही उपचुनाव में आपको बताऊं, तो यहां पर 3 जगह पर परिवारों में से कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिए हैं, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो मंडी हो, या फिर जुब्बलकोट खाई हो। आपसे तीनों जगहों पे, क्योंकि रैलियां लगातार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जनसभाएं की जा रही जिसमें भीड़ भी देखी जा रही है, कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता में रहने के लिए आपको, क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी सरकार ही सत्ता में है, तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता रैलीज कर रहे हैं या वो सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको वो पूरा फॉलो कर रहे हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनको पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो आपकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है, फिर चाहे वो बीजेपी की जनसभाएं हो या फिर कांग्रेस की जनसभाएं। शुक्रिया विनोद ठाकुर जी और दीपक शर्मा इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें, हिमाचल में सत्ता का सेमीफाइनल है और इस सत्ता के सेमीफाइनल में अब ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही है।